participants from Don Bosco Alirajpur, Don Bosco Jyoti Bhavan, Dungra, एवं सदावत Don Bosco से पधारे सभी युवक साथियों को इस ज्योति भवन संस्था में आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए क्योंकि हमने मैं शायद सोचता हूँ कि ये डॉक्टर जो डॉक्टर नीनामा जी हैं, वे हमारे बोर्डिंग से बहुत प्यार करते हैं, हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लास्ट ईयर और उसके पहले उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक हारमोनियम यहाँ पर स्पॉन्सर किया था। और हो सकता है वो यहाँ पर पढ़े भी की होगी सर आपने, यहाँ के हॉस्टल में रह कर उन्होंने पढ़ाई करी, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य कि आज वो हमारे बीच में डॉक्टर के रूप में और अतिथि के रूप में यह यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले मैं ब्रदर अश्विन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फादर ने आज मुझे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया। और ज्योति भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए मुझे अगर बुलाया जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि डॉन बॉस्को संस्था अलीराजपुर और झाबुआ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये दो दिवसीय शिविर, जिसकी थीम है यूथ रिलेशनशिप बिटवीन अ फैमिली एंड चर्च। इसके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय निराला जी और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्रद्धेय फादर अश्विन माल, फादर प्रताप जी, फादर अश्विन मैकवानी, फादर जेरोम, फादर दिनेश, फादर सैड्रिक, फादर लियोन। और आज के जो थीम, जो कार्यक्रम जिन बच्चों के लिए रखा गया है, आप सभी प्यारे बच्चों, मुझसे पहले डॉक्टर नीनामा जी ने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपके लिए बहुत ही सुंदर संदेश दिया। ये संदेश यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सहज जो संदेश था, आपके जीवन का जो लक्ष्य है आपको उसका निर्धारण करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12th के बाद अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य का निर्धारण, जैसे ही आपकी चेतना जागृत होती है, आप हर बातों को समझने लगते हैं, तभी आप उस लक्ष्य का निर्धारण कर लीजिए। उसके लिए कोई आयु का बंधन नहीं होता है, कोई क्लास का बंधन नहीं होता है। आपको जिस समय ये लगता है कि मुझे अपने जीवन में ये बनना है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, या प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से जो भी बड़े वर्ग के पद हैं उन पर पहुंचना है, आप उस समय से, उस आयु से, उस क्लास से अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लीजिए। अभी टॉपिक ये है परिवार में माता पिता और युवा में झगड़ों के तनाव। टॉपिक समझ में आया? माता पिता, अभी युवा में क्यों बोल रहा हूँ, तुम लोग युवा है, बच्चे नहीं, माता पिता और बच्चे बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अभी बड़े बच्चे अब हो गए ना, बच्चे माता पिता के बच्चे बड़े हो गए तो युवा तुम लोग कहलाए। तो माता पिता और बच्चों के बीच में, माता पिता और युवा के बच्चों के बीच में झगड़ों के तनाव कैसे हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, कैसे तनाव होता है? कभी कभी बातें भी नहीं करते, सच में करते, अगर नहीं करते हैं तो तनाव रहता है परिवार में, घर में जाते हैं तो दूसरा कुछ सोचने लग जाते हैं हम लोग। ओके, क्यों भगवान को पहला स्थान हमने दिया?
बातें करने के लिए बहुत कम समय मिलता है हमको, और उसकी वजह से तनाव होता है, क्योंकि जितना हम फ्री रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हम मम्मी पापा को जो भी शेयर करना है बताना है बता सकते। परिवार को चर्च से कैसे जोड़ सकते हैं? पहला पॉइंट, रोज रोजरी माला करना। दूसरा, हर रविवार को मिसा जाना। तीसरा, पुरोहितों से जुड़े रहना चाहिए। थैंक यू। उपाय, नशा न करना। परिवार में जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें सबके सहमति रहना, ताकि सबकी सहमति से वो कार्य हो तो कोई अपना वो गुस्सा न प्रदर्शित करे, जिसके कारण पेरेंट्स से सहमति लेना। और परिवार में बातचीत करना, अगर हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो हमारा सबसे रिलेशन अच्छे से बना रहेगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, और एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे तो उनके मन में भी हमारे लिए अच्छी धारणा आएगी, वो भी हमारा सम्मान करेंगे, वो भी हमारी भावनाओं को समझेंगे। और परिवार में प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना जो सबसे अमूल्य चीज है, पारिवारिक जीवन काम करना। अपने परिवार के लोगों के मन में ईश्वर के प्रति भावना जगानी चाहिए। दूसरा, छठ के सभी कार्यों में परिवार के साथ भाग लेना चाहिए। तीसरा, हमें अपने परिवार में चर्च को पहला स्थान देना चाहिए।
माँ मित्रों, ये बहुत खुशी का दिन है कि आप अलीराजपुर से, झाबुआ से और सुकेत से यहाँ एकत्र हुए हैं और हमारा जो युवा शक्ति है उसका सेलिब्रेशन करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। तो हमारे संत पापा फ्रांसिस हमें कुछ संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। संत पापा कहते हैं माँ मरियम के जीवन के हिसाब से, वो बता रहे हैं, माँ मरियम ने कहा, मैं ईश्वर की दासी हूँ, मेरे जीवन में आपका कथन पूरा हो। संगठन के संपादक है, डायरेक्टर है मुंबई धर्म प्रांत के फादर ग्लेन लो, उनकी सहायता से ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। उनको भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर आशीष बरसाएं और हमें उन तीनों यानी कि चारों और जो भी प्रमुख है उन्हें भी हम याद करते हैं और हृदय से कृतज्ञता देते हैं। धन्यवाद सबों को, थैंक यू वेरी मच।